सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज टू हमारा शुरू हो चुका है। फेज टू में हमें बच्चों को क्या कार्य देना है, इसका हमारा दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है और दूसरे सप्ताह की कार्यकारिणी भी जारी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि द्वितीय सप्ताह में जो आपका 28/9/2020 से 3/10/2020 तक चलेगा, उसमें हमें बच्चों को क्या कार्य देना है कक्षा 6 में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 6 को आपको द्वितीय सप्ताह में क्या क्या काम देने हैं। बात करते हैं सोमवार की। सोमवार को आपको बच्चों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी में काम देना है। हिंदी में आपको बच्चों को अपना स्थान स्वयं बनाई पाठ का अध्ययन कराना है। अपना स्थान स्वयं बनाए पाठ से संबंधित आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को बच्चों के साथ शेयर कीजिए। कैसे शेयर करेंगे? आप एज इट इज इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए बच्चों के और उसे शेयर कर दीजिए। और अगर आपका ये लिंक नहीं चलता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पाठ स्वयं बनाए से संबंधित जो भी कंटेंट आपके पास है उसको बच्चों को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ दीक्षा ऐप पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा अपना स्थान स्वयं बनाए से संबंधित। आप दीक्षा ऐप को ओपन कीजिए और इस पाठ से संबंधित जो भी वीडियो आपको दीक्षा ऐप पर मिलते हैं उन वीडियो को बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों को बताइए कि आपको इस पाठ का अध्ययन करना है, तो आपको हिंदी में सोमवार के दिन यह काम देना है। उसके बाद बात आती है गणित की। गणित में बच्चों को आपको पूर्ण संख्याएं पाठ का अध्ययन कराना है, तो पूर्ण संख्याओं पाठ का अध्ययन कराने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप बच्चों को शेयर करना है। और अगर यह लिंक आपके नहीं चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूर्ण संख्याओं से संबंधित जो भी वीडियो आपके पास हो उस वीडियो को आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद बच्चों को आप बताइए कि पूर्ण संख्याओं के बारे में जो भी कंटेंट है आप शेयर कर दीजिए और बच्चों को बताइए कि आप दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दीक्षा ऐप पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। साथियों, ये लिंक ज़्यादातर नहीं चल रहे, और अगर आपके लिंक नहीं चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि पूर्ण संख्याओं का काम मुझे आज बच्चों को देना है। बात करते हैं अंग्रेजी की। आपको सोमवार को अंग्रेजी में क्या काम देना है, तो अंग्रेजी में द मैजिक शो पाठ है उसके बारे में आपको बच्चों को काम देना है। और दीक्षा ऐप से आपको एक वीडियो द मैजिक शो की आपको बच्चों को शेयर करनी है, वैसे तो इसमें लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपका लिंक नहीं चलता तो आप मैजिक शो से संबंधित जो भी कंटेंट आपके पास हो बच्चों को शेयर करने के लिए आप बच्चों को उसी कंटेंट को शेयर कीजिए। बच्चों से बात कीजिए और उन्हें बताइए इस पाठ को आप पढ़ें और वीडियो को देखें और पाठ के प्रश्न उत्तर आप करें। तो इस तरह से आप बच्चों को सोमवार को आपको काम देना है। जो काम आपने बच्चों को सोमवार को दिया वही काम आपको मंगलवार को रिपीट करना है, यानी कि आपको मंगलवार को हिंदी, गणित और अंग्रेजी का काम दोबारा से रिपीट करना है। उसके बाद बात आती है बुधवार की। बुधवार को आपको बच्चों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में काम देना है। सामाजिक विज्ञान में हमारा सौरमंडल पाठ के बारे में आपको बच्चों को बताना है। सौरमंडल से संबंधित आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को बच्चों को शेयर कीजिए। और अगर ये लिंक आपका नहीं चलता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सौरमंडल से संबंधित जो भी कंटेंट आपके पास हो भले ये प्रश्न उत्तर हो, वीडियो हो, दीक्षा ऐप पर जो भी वीडियो आपको मिल जाए उन सभी वीडियो को आप बच्चों को शेयर कीजिए और बच्चों को बताइए कि आज आपको सामाजिक विज्ञान में ये कार्य करना है, ये वीडियो देखनी है, ये आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो आपको इस तरह से सौरमंडल के बारे में बच्चों को काम देना है। बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में बच्चों को पदार्थ और पदार्थ के समूह का अध्ययन कराना है, तो पदार्थ और पदार्थ के समूह के अध्ययन कराने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप बच्चों को शेयर कीजिए। और अगर ये लिंक नहीं चलते या आप इसको शेयर नहीं कर पाते तो पदार्थ और पदार्थ के समूह से संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर आपको मिल जाएगी, आप उसको शेयर कर दीजिए। पदार्थ और पदार्थ के समूह से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, उन प्रश्न उत्तर को आप बच्चों को शेयर कर दीजिए। आपको ये काम
बुधवार को करना है, जो काम आपने बुधवार को किया उसी को आपको रिपीट करना है बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को आपको वही काम दोबारा से देना है। बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार को फिर दोबारा से आपको गणित और अंग्रेजी में काम देना है। गणित में पूर्णांक का अध्ययन कराना है, पूर्णांक के अध्ययन से संबंधित आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को शेयर करना है, बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है कि आप पूर्णांक के बारे में बच्चों को बतवाइए, ये वीडियो दिखाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं विद्यालय में बैठा हुआ हूँ, मुझसे बच्चे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये लिंक नहीं चलता तो आप पूर्णांक के बारे में आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी वीडियो है, आप उनको बच्चों को शेयर कीजिए। तो साथियों, ये आपको गुरु शुक्रवार को बच्चों को काम देना है। बात आती है अंग्रेजी की। अंग्रेजी में बच्चों को द मैजिक शो के बारे में बताना है, और मैजिक शो के बारे में जो भी कंटेंट आपके पास है वो आपको बच्चों के साथ शेयर करना है। वैसे तो इसमें लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक को आप शेयर कीजिए, और अगर आपका ये लिंक नहीं चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैजिक शो से संबंधित जो भी वीडियो आपको दीक्षा ऐप पर मिलती है उसको बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी कंटेंट आपके पास है, और बच्चों के पेरेंट्स को समझाइए कि आप दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बिना दीक्षा ऐप के आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और इस तरह से आप बच्चों को काम दीजिए। जो काम आप शुक्रवार को दोगे वही काम आपको शनिवार को बच्चों को रिपीट करना है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पर कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।